हरि ओम फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सुंदर सा छबला बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने छबला 2 से 3 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह का छबला बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस छबला को बनाने के लिए बहुत ही कम मटेरियल चाहिए, बस इतना सा हमें कपड़ा चाहिए। और इसके साथ ही हमने ये पट्टी ले रखी है, रे पट्टी ली हुई है, और इस तरह का मैंने ये गोटा ले रखा है। बस इतने से ही सामान से हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 10x5 इंच का एक कपड़ा ले रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, 10x5। तो इस तरह से हमें एक पीस कट कर लेना है। कॉटन का क्लॉथ लिया है फ्रेंड्स हमने, तो उसको हमने इस तरह से फोल्ड किया और फिर हम उसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इंची टेप से इस तरह से देखिए, यहाँ से ये हमारा 5 इंच के हिसाब से हम निशान लगाते जाएंगे। इस इंची टेप को हमने यहाँ पे रखना है इस कॉर्नर पे, और इस तरह से 5 इंच पर निशान को डालते जाएंगे। तो मैं इस तरह से ये निशान को लगाकर तो इसे हम राउंड शेप में इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, तो इतना हमने इसे कट कर लेना है। और फिर यहाँ से ये देखिए, हमारी इसकी लंबाई ये 2 इंच है, तो इसे हमें 2.5 इंच रखना होगा यहाँ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इसकी लंबाई नीचे से 2.5 इंच रखनी है और फिर उसके ऊपर ये निशान लगा लेना है। इसी तरह से यहाँ से भी हमें 2.5 इंच रखते हुए इस सर्कल को भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सर्कल को भी हमने इसी तरह से कट कर लेना है। तो ये हमारा घेरा बनेगा और अब हमें इसमें से ही बाजू को कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 1 इंच पर ये देखिए यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे झबले की कटिंग हो गई है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके देखिए यहाँ से ये साइड को कट कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से मैं इसके भी साइड को कट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको कट करने के बाद फ्रेंड्स, अब इसमें इसको सी लेंगे। तो सिलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी जगह पर देखिए बाजू पर हम सिर्फ एक ही प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, बाजू पे हमारी एक ही प्लेट्स आएगी और जो हमारी ये ड्रेस है उसके जो यहाँ पर है इस तरह से हम सिर्फ 3 या 4 प्लेट्स ही बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैं इसको आपको प्लेट्स लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो घेरे वाली साइड है हमारी उसमें मैंने यहाँ पर इस तरह से 3 प्लेट्स बना ली हैं, और इसी तरह से हमने दूसरे घेरे में भी इस तरह से 3 प्लेट्स बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने बाजू को सिलना है पहले। तो देखिए बाजू की मैंने इसमें हल्का हल्का मोड़ दिया है। देखिए मैं इसको दूसरे कलर से सिल रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने हल्का हल्का इसको मोड़ लिया है। इस तरह से मोड़ने के बाद फिर हम इसके ऊपर इस तरह से लेस लगा लेंगे, या आप कोई और कुछ लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। तो अब फ्रेंड्स, अब हम एक ये लेंगे इस तरह से, अब हम दोनों बाजू को इस तरह से सिलेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से सिल देंगे और दूसरी बाजू को यहाँ से सिल दूँगी मैं। तो इस तरह से मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरफ से मैं पहले इस पर लेस लगाऊंगी और फिर इसको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसके एक ही साइड में दोनों तरफ इस तरह से बाजू लगा दी है। अभी ये वाली साइड हम
इस तरह से इस तरफ से लगा लेंगे। तो ये हमारा लगकर कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो मैं इस बाजू को यहाँ से अटैच करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इसके राउंड में चारों तरफ मैंने इसको ये बाजू लगा ली है दोनों साइड। और फ्रेंड्स, इसके बाजू के सेंटर में एक एक प्लेट्स जरूर बना ले। तो ये देखिए, जैसे मैंने ये प्लेट्स बना कर लगा रखी है। तो इस तरह से ये प्लेट्स बनाने के बाद फिर फ्रेंड्स हमें एक पट्टी लेनी हुई, जो कि मैंने इस तरह से ही रेप पट्टी ली हुई है। और ये मैंने देखिए एक साइड से इसको फोल्ड कर कर सील रखा है। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस राउंड के मुताबिक अब हम इसे नाप कर थोड़ा सा मोड़ने के लिए इस तरह से एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर कर अच्छे से नाप लूँगी। ये देखिए, तो मैं इसको नापने के बाद इसको इतना सा एक्स्ट्रा कट करूँगी और उसे फोल्ड कर दूँगी। तो फिर मैं इसको आपको लगा कर दिखाऊँगी इसके राउंड में, जैसे मैं लगाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पट्टी को मैंने दोनों साइडों से फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा ली है और इसे आगे से भी फोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इसे यहाँ पे सेंटर में रखेंगे और इस तरह से ये राउंड राउंड सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड में ये सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड, ये मैंने रेप पट्टी ली हुई है, आप चाहे तो सीधी भी ले सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड में मैंने इसको लगा लिया है और यहाँ पर आके इसे फोल्ड कर लिया है। अब फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से ऊपर करेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए एक सिलाई और लगा लेंगे। और चाहे तो आप इसके ऊपर रिबन भी लगा सकते हैं। तो मैं इस सिलाई को यहाँ से लगा लूँगी और फिर दिखाऊँगी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे झबले का नेक बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस नेक में आप या तो कोई डोरी डाल सकते हैं और या इलास्टिक भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद अब हम ये देखिए इसको और इसको यहाँ से सिलेंगे यहाँ तक। देखिए, इस सिलाई को यहाँ तक सिलेंगे दोनों तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी हमने साइड की सिलाई लगा ली है। अब हमने ये रेप पट्टी ली हुई है और उसमें इस तरह से सिलाई लगा ली है डबल कर कर। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और पूरे घेरे में इस तरह से इसको लगा कर इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। तो मैं ये लगा कर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, घेरे में पट्टी लगाने के बाद, देखिए फ्रेंड्स, जब हमने शुरू किया था तो घेरे की पट्टी को थोड़ा सा इस तरह से मोड़ लिया और लास्ट में आकर हमने इसको इस तरह से इसके ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो ये एकदम इस तरह से सीधा आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और इस पर गोटा भी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसको सिलाई लगाकर गोटा लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से झबला बनकर रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें ये डोरी को इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा इस तरह से लपेट लेना है और फिर इसको हम इस तरह से इसमें एंटर करेंगे और डोरी को बाहर निकाल लेंगे। तो मैं इस तरह से इसको घुमाते हुए इस डोरी को बाहर तक किसी तरह से निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस डोरी को यहाँ तक बाहर ले आना है और इसको हम इस तरह से खींच देंगे। और जितना भी हमको ये रखना है डोरी को, उतना हम इसे रख लेंगे। और इसको देखिए, मैं इसको अच्छे से लपेट के देखूँगी, जितना मुझे अच्छा लगेगा तो नोट बनाने के बाद इसको एक्स्ट्रा को कट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 2 से 3 नंबर के गोपाल जी का झबला बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आई होप कि आप ये झबला ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।